नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर थाना क्षेत्र में सुबह सवेरे पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो पशु चोर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, वहीं तीन पशु चोर भागने में कामयाब रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे पशु चोरों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बच गई। जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की तो गाड़ी सवार पशु चोर खुद को घेरा दे गाड़ी जंगलों में छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो चोर पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पशु चोर के तीन साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल भर्ती कराया। पकड़ गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने दो तमंचे, छह कारतूस, एक पिकअप गाड़ी और एक भैंस बरामद की है। इन पशु चोरों पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। जानसर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, इतने में एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई, उसे रुकने का इशारा किया गया, परंतु उस पर जान से मारने की नीयत से उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को घायल किया, उनको गोली लगी है और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, उनको मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। कितने बदमाश थे सर ये जिनको गोली लगी है और कितने खराब? ये चूँकि रात का मामला था और इसमें गिरफ्तारी जो है दो की हुई है, दोनों बदमाश घायल हुए हैं और बाकी कार्रवाई की जा रही है। क्या इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये अंतर जनपदीय पशु चोर हैं और इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया है। क्या बरामद हुआ है सर इनसे? एक पिकअप गाड़ी और दो तमंचे और एक जिंदा भैंस और बाकी और बरामदगी की जा रही है। रात्रि में जो है अज्ञात बदमाश आए भैंस चोरी की 19/4/2024 में। अच्छा जी, फिर जो है हमने जो केबिन की यानी कि जो ढूंढ तलाश की, मौके पर जो है प्रशासन पहुंचा, प्रशासन ने ढूंढ निकाली, हमें जो है हमारी भैंस बरामद हो चुकी। हाँ जी, पुलिस को रात को जो है सूचित किया, तो कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और हमें अपनी योगी सरकार को भी, क्योंकि प्रशासन अलर्ट रहा।